टेलीविजन के इतिहास में पहली बार हाई रेटेड सुपरस्टार सिंगर 2 और इंडिया लाफ्टर चैलेंज का हो रहा है सुपर संगम। आज होगा नॉन स्टॉप सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट, नहीं होगी आपस में कोई कंपटीशन या जंगम, क्योंकि आज है म्यूजिक यानी एम और लाफ्टर यानी एल का सुपर संगम, द 1000 ml स्पेशल, जिसमें अपनी पूरी पलटन के साथ आ रही हैं एक्ट्रेस, एंकर एंड जज, टीवी के जन्म से पहले से टीवी की मोस्ट इन थिंग अर्चना पुरन सिंह। इतने सारे हैंडसम लड़के एक साथ एंड अर्चना जी। दोस्तों हाय हाय, वेलकम वेलकम वेलकम। हाय अलका, मुझे लगा इसने बोला ना कि इतने सारे हैंडसम लड़के, मुझे लगा ये मुझे भी इंक्लूड कर रहा है, फिर मैं थप्पड़ तैयार कर रही थी। आई स्वेयर आई सस्पेक्ट दैट। अर्चना, दुनिया में दो चीजें सबसे अच्छी हैं मेरे हिसाब से, एक गाना है और एक हंसना है। बिल्कुल, म्यूजिक का ठेका हमने लिया हुआ है, आप हंसने का ठेका लेकर आए हैं। यहाँ खोल रहे हूं। तो फिर शुरू हो जाए। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां हो जाए अर्चना जी के लिए और हमारे लाफ्टर फ्रेंड्स के लिए। बुलाते हैं आज के सुपर संगम एपिसोड के पहले कंटेस्टेंट को, महाजन समायरा। Oh,
बर्फी के सब रस ले लिया है। मुझे लग रहा है कि शोएब के लिए सुपरस्टार नमस्ते ही होना चाहिए। अब मेरे पीपीपी यानी कि उदित नारायण जी कहाँ है पापा 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 मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया मैं तो दिल छोड़ आया अरे एक मोड़ आया मैं तो दिल छोड़ आया। क्या बात है सर 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 अरे अद्भुत अलका जी मिट गई दूरियां मैं यहां हूं कैसे हैं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं पापा क्या बात है बहुत बेहतरीन सिंगिंग एंकरिंग में कोई इसका हाथ नहीं पकड़ सकता है आई एम वेरी फीलिंग प्राउड ऑफ यू अरे थैंक यू पापा थैंक यू अरे थैंक यू क्या बात है झूठ बोलने में कौन सा थैंक यू अर्चना पूरन सिंह हाँ उदित हाय मैं ये बता रहा था कि मैं भी हंस के पैसे कमा सकता हूँ yes. I know. लेकिन आप गाना गा के नहीं कमा सकते ये तो सही है। तो पापा जो करने आए वो करिए ना नहीं अलका जी बुरा मान जाएंगी मतलब क्या मतलब मैं क्यों बुरा मानूंगी क्योंकि आज मैं अपने दिल की बात कहने आया हूँ क्या ये जो अलका अलका सुरूर है ये जो अलका अलका सुरूर है अलका जी मैं चाहता हूँ कि आप इस मंच पे दो मिनट के लिए आए मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ मुझे माफ करो भाई मैं खुद लेने चलो मेरे साथ मैं खुद लेके आ रहा हूँ मुझे क्यों लेके जा रहे हैं और सपोर्ट के लिए अच्छा बुरा मान गए तो पिटाई कौन खाएगा तुम कि मैं अलका जी प्लीज मुझे डर लग रहा है नहीं 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 कुछ ये नहीं काटेगा पीछे हट अब मैं अपने दिल की बात कहता हूँ जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन तू हाँ कर या ना कर तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी अलका ये लीजिए मुझे शर्म आती है जादू तेरी नजर खुशबू
इस फूल में कुछ कांटे हैं जो दीपा जी ने लगा के भेजे हैं। यही होता है जब भी भगवान मेरे साथ होता है, शानु टांग अड़ाता ही अड़ाता है। '90s का जमाने से अलका, मैं तुमको समझा रहा है कि उदित का चक्कर में नहीं पड़ने गए, आप मेरा चक्कर में पड़ो। अरे अरे अरे, ये क्या आप दोनों घन चक्कर के चक्कर में हैं? मैं क्यों पड़ूं? मुझे आ रहे हैं चक्कर। चलिए, आपको आपका सीट तक छोड़ेगा मैं छोड़ूंगा वहां, हम छोड़ेगा मैं छोड़ के आऊंगा, मैं खुद चली जाऊंगी भाई, चलना फिरना आता है मुझे। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, मजा आ गया। क्या बात है भाई साहब, मैं आपको देखकर सबसे पहले तो ये महसूस कर रहा था कि उदित जी साक्षात हमारे सामने खड़े हुए हैं। बहुत कमाल, जोरदार तालियां आज। थैंक यू गाइस, थैंक यू। जिनसे म्यूजिक इंडस्ट्री को मिला है उपहार, सबसे खास अरुणा दास। Thank you.
एक्सेप्शनल टैलेंट, वो टैलेंट जो इतना डिफिकल्ट गाना जो किशोर दा और मन्ना डे जी ने साथ में परफॉर्म किया, इंटरैक्ट किया है, गिव एंड टेक लेजेंडरी सॉन्ग, वो एक बच्ची फीमेल वॉइस में जो उसे कैरी करती है, ओ माय गॉड, अरुणा दास हिस्टोरिक. इस बात के लिए तो कहना ही पड़ेगा, सुपर फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग हिस्टोरिक अनबीटेबल इनक्रेडिबल अल्टीमेट जय माता दी लेट्स रॉक. पर अवश्य है भगवान का हाथ, जिनके अंदर है प्रभु का वास, प्रभु प्रांजल विश्वास.
आपको पहली बार सुन रही हूँ गाते हुए प्रांजल. हालांकि मुझे सुरों का ऐसा ज्ञान नहीं है, मैंने कभी संगीत सीखा नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर मैं जान गई हूँ आपका गाना सुनकर कि आपका कोई कनेक्शन है डायरेक्टली ऊपर वाले के साथ. जिस तरह से आपने गाया है मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लगा आपका गाना. थैंक यू. प्रांजल जो भी गाना गाता है उसको अपना बना लेता है, अपने हिसाब से गाता है वो. कोई भी ज़रा भी किसी कोने में भी वो नहीं नकल करता है, मतलब जो ओरिजिनल गाना है उससे. और सुकून आता है हमको भी सुनकर, अच्छा लगता है. प्रांजल आपने दिल से, मैं कहूँगा कि दुनिया हिला दी. आज मेरा बर्थडे है और आज मैंने और अक्षय जी ने हमारा एक गाना कंगन रूबी, उसका गाने का रीमिक्स लॉन्च किया है. और मैं चाहता हूँ कि प्रांजल उस पर वो ब्रेक डांस का स्टेप करे और उसके साथ मेरे पवनू का सुपरस्टार फेवरेट जो स्टेप है मेरा मून वॉक जो वो करता है उसके साथ हो जाए. आर यू रेडी? अब किशोर दावाली मैडनेस, किशोर दावाला अंदाजे खास, छोटे किशोर रोहन दास और इनके साथ आ रहे हैं नृत्य से मिलता है जिनको आनंद परमानंद प्रत्युष आनंद. आ गए अपना ट्रे लेकर. क्या बात है, कमाल के डिशेस मिलने वाले हैं देखने को. सवाल ये उठता है कि ये किसको खाना पड़ेगा. आज जो है ये बदनसी आई मीन खुशनसीबी जो है हमारे सारे कमेडियंस को मिल रही है, स्पेशली प्रत्युष उनके लिए खास रात भर जाग कर ये डिशेस बनाकर लाए हैं जिनसे ये अब हर रात जागेंगे. तो सबसे पहले ये गरम मसाला केक. गरम मसाला केक, गरम मसाला केक. ये है नीतीश भैया के लिए. इसका नाम मसाला इसलिए क्योंकि आप मुंबई के हो और मसाले वाली बातें करते हो. चलिए नीतीश भाई. मिर्च पड़े के जीरा हो, खट्टा हो या मीठा हो, असली मुकाबला तो आज हो रहा है. टेस्ट करो तो कैसे बनाओ. जैसा सोचा था वैसा ही गंदा है. ओ बाबी, एक बड़ा बाइट लीजिए. ओ माय गॉड, ये खुशी के मारे बेहोश हो गए. ओवर एक्टिंग के 50 रुपए कट. अगली किसकी बारी है? अगला कौन है वो बदनसीब? ये है बैंगन जली और ये है जय विजय भैया और सचिन भैया के लिए. बैंगन जली भैया भैया आइए ना खाइए ना. इसको देख के तो मेरी हालत खराब हो रही है. अब सोचे खा के क्या होगा. अरे अरे वो डायलॉग मुझे याद आ रहा है, जली को राग कहते हैं बुझी को. हाँ वो बात ठीक है, लेकिन प्रत्युष के जली को देख के मेरी जली बेली दोनों एक हो गई है.
ये है रजत भैया और रतब्रता भैया के लिए। नसीब वाले को मिलता है टिंडा बिस्किट। ये पक्का किसी मिडिल क्लास माँ की पैदाइश है। इसको खा के आप कॉमेडी और अच्छा करोगे। ये क्या है पप्पी, चुम्बन थोड़ी करना है, फिर खाना है बिस्कुट। डोंट वरी बे अपना रो, बर्तन शर्तन बजन दे, धुआं शुआं पहले जरा। रीता प्रता कहाँ है भाई? I'll feed you from my hands. पूरा का पूरा खिला दिया। ये आपका मुंह है, कोई माइक्रोवेव नहीं है जो आप सेक रहे हैं खाना। चबाइए, निकलिए। I know ba mara mari, confusion ye lachari, khojo 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 baat kab se adi. एक डिश अभी बाकी है। आ जा तुझे दे जाऊं। राजमा आइसक्रीम। जसवंत भैया और अपूर्व भैया के लिए। आ जा तुझे दे जाऊं। तड़का हो बे कब शुरू। बेटा पहले मुझे ये बताओ, तुम सिंगर हो को हलवाइयों के बच्चे हो? आहा आहा सुना था मैंने कोविड में जीभ का स्वाद चला जाता है। काश चला गया होता। एक बार हमारे सारे दोस्तों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है। नॉट जस्ट गुड कॉमेडियंस बट स्पोर्टिंग गाय प्रत्युष रोहन, ऑल द बेस्ट दोनों के लिए। ताली। Yes.
रोहन एक और गोलमाल बताओ। हाँ प्रत्युष भैया दिखाओ। पहले आंख बंद कर। अब तेरे लिए एक चैलेंज है कि तू अब लड़की बनकर गाएगा। हाँ, प्रतिष्ठित भैया। तुम एक जेन्युइनली बहुत ही कमाल के एंटरटेनर हो और आज के इस जबरदस्त सुपर संगम एपिसोड के लिए तो तुमने चार चांद लगा दिए। कमाल किया प्रतिश, हुआ वेरी गुड, वेरी वेरी एंटरटेनिंग। एंड तुमने वो गोल माल पे पेट के एक्सप्रेशंस क्यों दिए? क्योंकि सर मेरा पेट गोल है ना, इसलिए। सो क्यूट यार, बेस्ट बच्चे एवर, आउटस्टैंडिंग। गाना गाना एक कला है, फिर एक्टिंग एक और कला है, कॉमेडी करना एक बहुत ही स्पेशल कला है, स्टेज पर लाइव परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल कला है। प्रत्युष और रोहन, आप दोनों ने ये चारों चीज करके दिखाई है इस गाने में। बड़े बड़े कलाकार भी नहीं कर पाते, लेकिन आज मैंने देखा आप दोनों बच्चों ने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस किया। थैंक यू। दुनिया हिला दी। Let's go, हमारे अगले परफॉर्मेंस की तरफ। तुझे देखा तो ये जाना सनम, हल्का जी, आज मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूं। हाय हाय, क्या बात। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां,
तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। अर्चना जी, yes. इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अलका जी कितनी खूबसूरत हैं। Absolutely. लेकिन आज मतलब अलका जी के लिए मतलब दिल से कुछ आ रहा है। दिख रहा है मुझे, दिख रहा है। सोचिए अभी तो मैम की शादी हो गई, सोचिए 90s में अगर अलका जी की जब शादी नहीं हुई थी, और बॉलीवुड में एक बार एक स्वयंवर हुआ, आपको पता नहीं है। अच्छा, अलका जी का स्वयंवर। और अलका जी ने अमरीश पुरी साहब को बोला कि भाई मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के लाइए, ये बाप की जिम्मेदारी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अर्चना जी, पूरा कारबार जो है अमरीश पुरी साहब ने संभाल लिया। तय वक्त पर वहां पर पहुंचे और बोले, अरे भाई मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी अलका के लिए कोई एक अच्छा वर ढूंढूंगा। भाई इतनी खूबसूरत है ये, तो लड़का भी तो कमाल का होना चाहिए भाई। अरे है कोई जो हमारी अलका का हाथ थामे? सबसे पहले नवाजुद्दीन आते हैं साहब। सलाम साहब। मेरे को अलका का हाथ मांगता है। क्या कर सकता है तू अलका के लिए? 10 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकता है मैं। मौत को छूके तक से वापस आ सकता है। भाई यहां पे मरने की मेथड एक्टिंग नहीं करनी। और क्या कर सकता है तू? अरे मैं बहुत कुछ कर सकता हूं उसके लिए। हाँ। मैं बहुत प्यार करेगा उसको। किस तरह का प्यार करेगा? बाप का, दादा का, भाई का, बुआ का, फूफा का, चचिया ससुर का, अरे सबका प्यार देगा रे ये फैजल। अभी मेरे हाथ में अलका का हाथ देना है। ये ले, ये तो साबुन है। तो पहले जाके अपने हाथ धोकर आ। माय गॉड। ये जाते हैं, वाह, पंकज त्रिपाठी जी आते हैं। वाह, बहुत अद्भुत हो। बाबूजी दिल से एक बात कहना चाहते हैं। Can you imagine पंकज त्रिपाठी? So difficult. अलका जी को बहुत पसंद करते हैं हम। दिल से हमारी एक ही आवाज निकलती है, ऐसी सुरीली, सुसज्जित, बढ़िया महिला हमारे जीवन में आ जाएगी, हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या करोगे? देखिए आपसे बात नहीं हो रही है। कमाल, कमाल, कमाल है। अलका जी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप हमारे क्षेत्र में चलिए, रानी बना के रखेंगे आपको। मुन्ना भी कह रहा था हमको ऐसे ही मम्मी चाहिए। अच्छा मुन्ना। देखिए प्यार से समझा रहे हैं, वरना आदमी हम बहुत खतरनाक हैं। भाई आप तो हमें धमका रहे हैं। कालीन भैया आप बैठ जाइए। हाँ। बाकी कोई दूसरा है तो वो भी आ जाए। हाँ। अब बाबा आते हैं। बाबा, संजू बाबा। ए, ए अलका। अरे मैं क्या बोलता हूँ ना, अपने को टेंशन लेने का नहीं है। अरे अपुन जब तेरे को देखता है ना, अरे माँ कसम अपुन को धक धक होता है, धक धक। अरे कब तक मैं करेगा तुन्ना 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 तुन्ना। अरे मेरे को तू मांगती है कैसे भी। अरे भाई ए बापू।
बीच में नहीं बोलने का, वरना माँ कसम अपुन तेरे को ठोक देगा। भाई आप तो यहाँ डराने का काम कर रहे हैं। जय विजय वन ऋतिक 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 ऐसे थोड़ी ना होते। सभी लोग आगे आके चले गए, सभी ने अलका जी का हाथ मांग लिया, मैं पीछे ही रह गया। ऐसे थोड़ी ना होता, मैं सबसे नाराज हूँ। मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा। आप लोगों को पता है जैसे मैं सेट पे आया मेरे को धक 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 हो रहा था, क्योंकि इन बच्चों को मैंने गाते सुना मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। अब मैं जा रहा हूँ। क्या कोई ऐसा आदमी है जो सच में मेरी अलका को प्यार करता है? शाहरुख खान साहब आते हैं। मेरी बात सुनो अलका। मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। तुम पास नहीं होती तो तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूं। मेरे कान सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनना चाहते। जब तुम पास में नहीं होती तुम्हारे गाने सुनता हूं, हर घड़ी हर पल। मेरे नैना बस मेरी अलका को ढूंढते, इसे प्यार कहूं पागलपन या मेरे दिल की धड़कन मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि दुनिया के एक हिस्से में एक ऐसा इंसान है जो तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता है, सच्चे दिल से मोहब्बत करता है। अगर तुम मेरी जिंदगी में आ गए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी अलका। आई लव यू, आई लव यू वेरी वेरी मच अलका, आई लव यू वेरी 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 मच अलका। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अरे अमरीश जी हाँ कर दीजिए इसको। अरे भाई अब तो अलका ने भी कह दिया है, अरे शाहरुख की अलका तेरी हो गई। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है भाई, मजा आ गया। आपने वाकई आज दुनिया हिला दी। ओहो क्या बात है। अली अगला भूचाल आपकी टीम से कौन आ रहा है? आदि भाई अब जो मेरी टीम से आ रहा है वो है मेरी कुर्सी को बचाने वाला मेरा दावेदार राजा बेटा मणि, और वो एक स्पेशल एंट्री लेगा तो जरा देखिए आप। अरे वाह। मणि यार आज जो ये नए अवतार में तुम आए हो बहुत ही प्यारे लग रहे हो, ये इसका क्या राज है? ये आज मैं इसलिए पहन के आया हूँ कि आज हमारे शो में मेहमान बहुत आए हैं और मैं एक वैसे पंजाबी गाना गाने वाला हूँ, इसीलिए पंजाबी सूट पहन के। तो ये मेरी मम्मा ने सिल कर दिए ताकि मैं और अच्छा दिखूँ। हाय हाय बहुत अच्छा दिख रहे हैं। तुम तो वैसे भी हमेशा बहुत अच्छे दिखते हो, और सबसे अच्छी तुम्हारी क्या बात है मालूम है ना, तुम्हारी ये प्यारी सी स्माइल जो हमेशा तुम्हारे चेहरे पर रहती है। थैंक यू मैम। शादा फिर मणि के लिए एक बार जोरदार तालियां।
हो जान कटे के जिगर कटे अब इन दो धारी अखियों से मकना है लवली हमारी एंड में कमाल की देखो कीबोर्ड बजा के या पियानो बजा के गा सकता है बंदा लेकिन साथ में रिदम बजा के और है ना सुर को निकालना ये सबसे बड़ा काम है और आई थिंक ये कमाल का काम हमारे मनी ने करके दिखाया है और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा लास्ट में कि है ना जिस तरह इसने ये ढोल बजाया है एक दिन वो आएगा जब इसके नाम का डंका बजेगा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे आता है ये
ये कुदरत की तरफ से इसके अंदर ना फीड करके भेजा है। है कहीं मानी तुमने? नहीं मैम। अनबिलीवेबल रियली रियली। अच्छा मनी की मम्मी ये क्या ढोल बजाता हुआ पैदा हुआ था क्या? क्या हुआ है बेटा हुआ है दर दरा दरा। इसने खुद अपने पैदा होने के ढोल बजा लिए। आज मणि ढोल बजाएगा और हम लोग ढोल पे सुपरस्टार नमस्ते करेंगे फॉर द सुपरस्टार 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 सिंगर मणि। सर 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 गुस्ताखी माफ सर प्लीज। आज जो मनी ने परफॉर्मेंस दिया है पंजाब का नाम एक बार फिर रोशन किया जोरदार तालियां। तो मैं एक बोली पाना चाहना। ओ बारी बरसी खटन गया सी ओ बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा हनी हनी ओ बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा हनी ओ गायकी वाले बट कड़दा ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਮਨੀ ਹੋਰ ਗਾਇਕੀ ਵਾਲੇ ਬੱਟੇ ਕੱਢਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਮਨੀ ਹੋਰ ਗਾਇਕੀ ਵਾਲੇ ਬੱਟੇ ਕੱਢਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਲੀਏ ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਰ ਤਾਰ ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਜੇ ਨੱਚਣ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਜੇ ਨੱਚਣ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਹਮਾਰੇ ਲਾਫਟਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਲੀਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਲੇ ਤਾਲੇ ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਲੇ ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਜੇ ਨੱਚਣ ਲਾਫਟਰ ਵਾਲੇ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਜੇ ਨੱਚਣ ਲਾਫਟਰ ਵਾਲੇ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ क्या बात है क्या बात है। आज पहली टाइम मैंने देखा है सुपरस्टार सिंगर के सेट पे अर्चना पूरन सिंह जज का ऑडिशन देने आई है। क्या बात है। चलते शो में जज का ऑडिशन। अलका जी नमस्ते। कैसे आप कैसे लग रहे हैं आज सुपर संगम का आपको एपिसोड? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। आप लोग हंसा रहे हैं बहुत। देखा उदित जी खाली आपको रिप्लाई नहीं करती मेरे को भी रिप्लाई कर। लेकिन अच्छा लग रहा है आज यहाँ आके क्योंकि हाँ। आप लोगों सबको मैंने टीवी पे देखा है। आप लोगों को टीवी पे देखा है। आप लोगों को सबको टीवी पे देखा है। पवनदीप और अनुरीता को भी देखा है। ये लोगों को टीवी पे नहीं देखा है मैं। ये लोगों को जू बीच पे देखा है। एक नारियल में दो स्ट्रॉडल के बैठा था। कौन सा सुर लगा रहे थे भाई उधर? सी माइनर सुर था सर। म्यूजिकल गाली दे रहे मुझे। वैसे सलमान अली मैं तुम्हारा भी बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। सलमान क्या गाता है यार, मतलब बहुत सही गाता है। आपको पता है जब वैक्सीनेशन शुरू था तो अपन सब वैक्सीन लेने गए थे। अपन को इंजेक्शन लगा। अपन ने क्या इसको वैक्सीन लगा इसने क्या पूरा आजू बाजू वाले एरिया में मालूम पड़ा ये वैक्सीनेटेड है। साइली आइडल में तू क्या गायली आखे इंडिया में ऐसा छाइली। अच्छा लेकिन शादी करके मेरे जैसे लड़कों का दिल दुखाई लिए। यहां तक पहुंचने के लिए तूने मेन रोड से दाई ली क्या बाई ली? जो भी ली लेकिन सिंगिंग में तू बहुत आगे जा ली। कैसा लगा मेरा कविता? अभी 200 रुपए ट्रांसफर करता हूं। अनु जी ने लिख के भेजा था। वैसे आज जितने भी अपने इधर बच्चे फुल टैलेंटेड बच्चे हैं जोरदार ताली एंड टैलेंटेड बच्चों के लिए। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ तुम लोगों को असली अनटैलेंटेड लोग देखने गए ना तो आओ बिल्डिंग में जो सोसाइटी फंक्शन होते ना उसमें एक से एक अनटैलेंटेड लोग। उसमें भी डांस का ऐसा स्टेज बनाए रहते हैं उसमें 4 साल की बच्ची खड़ी रहकर डांस कर रही है 3 घंटे से एक ही स्टेप। चटकुली 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 हमारी लड़की है।
हमारी लड़की है बहुत होशियार है गॉड्स गिफ्ट है गॉड्स गिफ्ट ऐसे सब सोसाइटी फंक्शन में देखना ऐसे सोसाइटी जो बिल्डिंग में फंक्शन होते हैं उसमें 16-17 साल का लड़का लोग रहता है जिनको अपना हिप हॉप टैलेंट दिखाने का रहता है बिल्डिंग में लेकिन लफड़ा क्या है वो तीन लोग स्टेज पे चढ़ के हिप हॉप कर रहे हैं ना वो बीच वालों को हिप हॉप आता है अच्छा बाकी दो लोग तो उसको देख के ये लोग का इतना हिम्मत है ये लोग ने ग्रुप का नाम रखा है एमजे 2.0 ओह माय गॉड बाद में मालूम पड़ता है मंगेश जादव दूसरा माला ऐसे सब बिल्डिंग में देखो आप लोग ये इसके साथ साथ अपना सिंगिंग का भी कंपटीशन होता है अभी सिंगिंग में देखो उधर बच्चा गया है स्टेज पे ये हंसी वादिया ये सुना आ गए हम गा ए मेरे रंजना ए मेरे नाम नन में तेरा वनन तेरे मालिक ने मेरा तेरा वनन अभी नीचे दूसरा औरत आपका लड़का है क्या बहुत अच्छा गाते हैं इसको सुपरस्टार सिंगर में लेके जाओ ना ऐसे फंक्शन में सबसे टॉर्चर रहता है फैंसी ड्रेस माँ बाप बच्चों लोगों के लिए भाड़े का कपड़ा लेके आते हैं और उनको स्टेज पर चढ़ा देते हैं जा जा फैंसी ड्रेस जा कंपोस्ट बॉक्स दे रहे हो लोग जा फैंसी ड्रेस स्टेज पे जाके बोलना हेलो एवरीबडी क्या बोलेगा हेलो एवरीबडी ऐसे जा अभी बच्चा स्टेज पे गया फैंसी ड्रेस और उसका स्टार्ट वहां पर हेलो हेलो नीचे से माँ बाप एवरीबडी एवरीबडी क्या बात है एवरीबडी हेलो हेलो एबीसीडी नीचे से माँ बाप वापिस चालू एवरीबडी बेटा एवरीबडी हेलो हेलो सांप सीढ़ी है हेलो 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 मेरा नाम विनीत है मैं जंगली बनाऊ मेरे को नहीं बनने का जबरदस्ती बना थैंक यू एक बार जोरदार तालियां हो जाए नितेश जी के लिए मजा आ गया नितेश जी समा बांध दिया आपने थैंक यू नितेश जी जबरदस्त जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं ले जाए जाने का जो तू वो याद जान संग मेरे कब तक चले इनमें तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले ख्यालों का शहर तू जाने तेरे होने से ही आबाद है हवाएं हक
शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको कहे बिना समझ लो तुम शायद वाह शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम क्या बात है जब तुमने जहां से छोड़ा भी गीत तो उसका सुर थोड़ी देर तक दिमाग में घूमता रहा बहुत अच्छे से आपने प्रोजेक्ट किया बहुत अच्छे से गाया थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच इम्तियाज सर बोल रहे हैं कि आपको सिंगिंग के लिए ले मैं तो बोलती हीरो ही ले लो उसको जस्ट वेट फॉर अ फ्यू इयर्स है ना तुम तैयार हो बिल्कुल हीरो बनने के लिए फिल्मों में बस तुमने दुनिया हिला दी ये और अब आ रहा है चैतन्य वैश चैतन्य इसके पहले कि आप गाना गाएं मैं कुछ बोलना चाहता हूं आपने एक गाना गाया था बुलिया और आपने जिस तरह से गाया था और जो आपकी पर्सनालिटी है जितने आप हैंडसम हैं जैसे आप कपड़े पहनते हैं जो आपका स्टाइल है इन सारी चीज़ों से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हो गया था मुझे लगता है ना कि अगर सही टाइम पे आप मुझे मिल गए होते ना तो रणबीर कपूर को काट के मैं आपको ज़रूर ले लेता एक चीज़ अगर मैं ऐड कर सकूँ आपके वार्डरोब में इफ़ यू डोंट माइंड वो मैं अपने साथ लाया हूं एक रॉक स्टार जैकेट अब आप लग रहे हो असली रॉक स्टार Thank you, sir. आगे जब आप अपने कॉन्सर्ट में कभी जाओगे ना तो लोग आपको रॉक स्टार कहेंगे चैतन्य रॉक स्टार ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ये है द ह्यूजली टैलेंटेड वेंट्रिलोक्विस्ट विग्नेश पांडे और वो जिनके लिए जावेद ब्रो बिछाए हुए हैं अपने नैना एना निकल इधर से क्या हो गया ये अपना शो है ही नहीं अरे नहीं है भाई अपना शो नहीं है नहीं 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 अपना ही शो है अरे है ही नहीं देख सेट देख कितना खूबसूरत है अपना हो ही नहीं सकता अरे बाप रे अरे नहीं ये शो भी हमारा है और यहाँ पर सारे अपने अपने हाँ तो ये सारे बच्चे तेरे
अच्छा वैसे दोस्तों, जो लोग मुझे जानते नहीं, कोई नहीं जानता इधर। अच्छा मैं हूँ विघ्नेश पांडे, इस पे ध्यान नहीं देना है और मेरा नाम ऐना है। बजाओ बजाओ ताली, बजाओ बजाओ ताली। तू मदारी है क्या? मैं मदारी हूँ तो कौन हुआ? जावेद सर, अलका मैम, मैं भी बहुत अच्छा गाता हूँ। ट्रेन में पांडे क्यों बच्चों के सामने कचरा करवा रहा है अपना? मैं गलत प्रूफ करता हूँ ऐना को। व्हाट अ जोक। मैं गा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ। वाह क्या गाना है। दोस्तों मित्रों, बोलते ध्यान दीजिए। ओहो 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 ओहो, कौन सा राग है ये? ए राग नहीं, मैं अभी गाना गाऊंगा, सॉरी। मैं अभी गाना गाने वाला हूँ। तो जजेस तैयार हो जाइए। बिल्कुल, चप्पल लेके। ये जैसे सुर लगाएगा, आते के किसको लगा देना है। जब मैं गाऊंगा गाऊंगा, अभी गा रहा हूँ। रेडी? नहीं दी होता तो गाता नहीं क्या? सुन रहा है ना तू? हंस रही हूँ मैं। रो रही हूँ मैं। तू इतना घटिया घर है इसलिए हंस रही हूँ मैं। तेरे को गाना गाना ही नहीं आता, मैं गाती हूँ। तेरे को गाना गाना नहीं आता है? ए, हल्के ले ले रे ले तू मेरे को दो। कौन सा घराना है तेरा? मेरा अलका जी के घराना जाना है। एक मिनट, अलका जी आप इसे घर पे बुलाते क्यों? बुलाता कौन है, मैं डायरेक्ट जबरदस्ती चले जाती हूँ। अच्छा जावेद सर। हाँ वो मेरे बहुत बड़े फैन है। अच्छा मैं सर वही सोच रहा था कि जब से ऐना सेट पे आई है आप क्यों बोल रहे थे ऐना कहाँ है, ऐना कहाँ है? नहीं वो तो मैंने उनका बटवा मार लिया था इसीलिए पूछ रहे थे। तुमने जावेद सर का बटवा क्यों मारा? क्योंकि मेरे को जानना था कि वो सिंगल है या नहीं। झाड़ू ए जादू जादू। ओ सॉरी सॉरी। ए होता है हस्ती क्या मारेगी उधर आके। जादू तेरी नजर। क्या वो कैसे टटक गया मेरा? सॉरी सॉरी वापस वापस वातास। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा सर, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरा जावेद, तू है मेरा जावेद, तू है मेरा जावेद, तू है तेरे जाना है जावेद। चल 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 चल। Thank you. आना ने दुनिया हिलाई है। Thank you विनेश भाई, thank you आना। आइए ग्रुप हग करते हैं। वाह वाह मजा आ गया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.